जय श्री श्याम। इस बार 17 तारीख को सुबह 4:30 बजे ध्वज यात्रा जो कि चुलकाना धाम जा रही है, और 7वीं ध्वज यात्रा जो कि बाबा का बुलावा पानीपत वासियों को आया है। और पिछली बार किसी कारणवश मेरा जाना नहीं हो पाया, मगर मैं इस बार इस ध्वज यात्रा में स्वयं शामिल होकर बाबा के दर्शन करने जा रही हूँ। और सभी नगरवासियों से ये निवेदन करूँगी कि आप सभी इस यात्रा का हिस्सा बनकर बाबा का आशीर्वाद लेने चुलकाना धाम पहुँचें, तभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस यात्रा में शामिल हों और बाबा का आशीर्वाद पाएं। मेरे हिसाब से श्याम बाबा से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, श्याम बाबा को पता है कि उनके बच्चों को क्या चाहिए, और जो भी उनकी शरण में आया है उनको उनका भरपूर आशीर्वाद मिला है, और कहीं ना कहीं बिना कुछ कहे हर मनोकामना पूरी हुई है। जो धन्यवाद है शब्दों में बयां नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत पावन कार्य जो ये किया है पिछले 7 वर्षों से, वो निरंतर इस प्रयास से हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानीपत के लोग हैं, जो श्रद्धालु जन हैं, वो श्याम बाबा के चरणों के साथ जुड़े। तो मैं धन्यवाद तो ज़रूर करूँगी, मगर उसके शब्द बहुत कम रहेंगे, और यही कहूँगी कि उनका ये प्रयास बहुत अच्छा है, इसी तरह वो आगे बढ़ते रहें। जो कि संख्या 2500 तक पहुँच गई है लगभग पिछली यात्रा में, और आगे इस बार ये 5000 प्लस होने वाली है, तो बहुत अच्छा प्रयास, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पूरी टीम को, राकेश जी, विकास जी और जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं, और यही कहूंगी कि उनकी यात्रा शुभ हो, और सभी श्रद्धालुजन जो बाबा की चरणों की सेवा करने जा रहे हैं, जो बाबा का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, सभी की मनोकामनाएँ पूरी।